बुजुर्ग से मैंने सुना है कि एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बन सकता है। क्या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? और अगर हूं तो फिर मुझे एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी होना चाहिए, जो मैं नहीं हूं। एक अच्छा इंसान बने रहने की ख्वाहिश में ना ही मैं एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा पिता। और इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं सच का साथ नहीं दूंगा। इस दुनिया को अच्छे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी अच्छाई ने मुझे आज तक कुछ नहीं किया। दूसरों के पैसों से क्या करूं? एक तरफ मेरे आदर्श और दूसरी तरफ मेरे परिवार की खुशी। आदित्य, अगर पैसों से ही सारी खुशियां मिलती तो इस वक्त हम सब सुकून से सो रहे हैं। क्या फायदा ऐसे पैसे का जो सबका चैन ही छीन। इसे लौटा दो आदित्य। I'm sorry बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अब और झूठ नहीं। मैं इसे अभी लौटा दूंगा। एड्रेस है? नहीं, पहले मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसका ये ब्रीफकेस है। मिला तो ठीक, वरना पुलिस स्टेशन जाऊंगा। मैं अभिषेक को लेकर जाता हूं। ठीक है, पर अभी नहीं, सुबह चले जाना। वैसे भी इतनी रात में तुम अभिषेक के साथ कहां ढूंढोगे उसे? अब तक आना होता तो आ चुके होते। पापा क्या करेंगे? सोच रहा हूं कि ये बैग जाके पुलिस स्टेशन में दे दूं। ये बैग जिसका होगा उसने शायद रिपोर्ट तो लिखवाई होगी। पुलिस तो हमें नहीं पकड़ेगी ना पापा। हमें क्यों पकड़ेगी? हमने चोरी थोड़ी ना की। चल। अरे तो मेरा ब्रीफकेस है। अभिषेक इन्हें गौर से देखो, ये वही अंकल है, ये बैग इनका है। अरे मेरी चीज मेरी है, इसके लिए भी मुझे दूसरों से पूछना पड़ेगा? और ये ना बोलेगा तो तू नहीं देगा मुझे? हाँ, नहीं देगा। पापा ये बैग इन्हीं अंकल का है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। लीजिए के बच्चे, तुझे सबूत चाहिए था ना? क्या ले सबूत? तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? मारो 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 मारो, 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 मारो।